HP 15S AMD Ryzen 5 5500U प्रोसेसर ऑन योर लैपटॉप काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस हमें निकाल के देता है, साथ ही में काफ़ी अच्छी हमें बैटरी बैकअप देखने को मिलता है। कंपनी जैसा क्लेम करती है वैसा हमें मिलेगा या बैटरी बैकअप या फिर नहीं, ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। साथ ही में दोस्तों, अगर आप इस लैपटॉप को खरीदने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि हम इसमें सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे कि इनके पोर्ट्स की क्वालिटी कैसी है, स्पीड कैसे मिलता है हमें इस लैपटॉप में, गेम्स वगैरह हम कौन कौन से रन कर पाएंगे, कौन कौन सी एप्लीकेशन चलेगी, बैटरी बैकअप हमें कैसे देखने को मिलेगा, डिस्प्ले का क्वालिटी कैसे देखने को मिलेगा और इस लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी ओवरऑल हमें कैसी देखने को मिलेगी, सारी चीज़ें हम डिटेल में कवर करेंगे। यह लैपटॉप हमारे फ्रेंड ने लिया था तो हमने उनसे लेकर के कुछ दिनों तक यूज़ करके कुछ फोटोज़ क्लिक कर लिए, आपको दिखाते जाएंगे और सारी चीज़ें डिटेल में बताते जाएंगे। तो इसके अलावा वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा। और अगर आप इस लैपटॉप को खरीदने वाले हैं तो इसको खरीदने का ओरिजिनल बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से क्लिक करके आप इस लैपटॉप को बाय कर सकते हैं। यह लैपटॉप अमेजोन पे अभी काफ़ी सस्ते में देखने को मिल रहा है, तो लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, इस लैपटॉप के बारे में सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, इस लैपटॉप में आपको बैटरी बैकअप की बात करें तो यहाँ पर आपको कंपनी क्लेम करती है कि 3 घंटे का बैटरी बैकअप देखने को मिलता है, लेकिन रियल लाइफ यूज में जब आप यूज़ करोगे तो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पे आपको लो ब्राइटनेस पे 4 से 5 घंटे का बैटरी बैकअप देखने को मिलता है और यहाँ पे जो 3 घंटे का बैटरी बैकअप वो है हैवी यूजेस पे, यानी कि काफ़ी ज़्यादा इंटेंसली फुल ब्राइटनेस पे और फुल ऑन गेमिंग करोगे तब आपको ऐसी बैटरी बैकअप मिलेगी, नहीं तो अदरवाइज जो है ना 5 घंटे का बैटरी बैकअप आराम से इस लैपटॉप में निकाल पाओगे। इस लैपटॉप में AMD Ryzen 5 5500U प्रोसेसर मिलता है, 4 GHz पे क्लॉक्ड है मैक्सिमम और यहाँ पर जो है ना 8 GB का आपको 2 RAM लगा हुआ देखने को मिल जाता है, यानी कि टोटल आपको 16 GB का रैम आपको इस लैपटॉप में देखने को मिल जाता है 6 Core 12 Threads के साथ 3200। और यह जो इसमें रैम लगा हुआ है SD RAM वो जो है ना DDR4 वाला है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट रहता है और लैपटॉप को काफ़ी ज़्यादा फास्ट बनाता है और साथ ही में 16 GB का रैम है तो कोई भी परफॉर्मेंस में आपको दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी और इस बजट में ऐसा लैपटॉप आपको देखने को नहीं मिला है। चलिए आपको बताते हैं इस लैपटॉप पोर्ट्स के बारे में। तो यहाँ पे आपको टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है, जिसकी जो डेटा ट्रांसफर स्पीड है वो 5 GBPS तक की है। साथ ही में दोस्तों आपको 2 USB पोर्ट देखने को मिल जाते हैं, वो भी फास्ट वाले 5 GBPS तक, वहाँ पे भी आप डेटा ट्रांसफर कर पाएंगे। साथ ही में आपको हेडफोन जैक देखने को मिलता है, जिसमें आप माइक और हेडफोन दोनों लगा सकते हैं, AC अडैप्टर और साथ ही में आपको जो है ना एक जो है HDMI पोर्ट देखने को मिल जाता है, जिसमें कि आप एक्सटर्नल डिस्प्ले वगैरह कनेक्ट कर पाएंगे। आउटपुट क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, देयर इज नो इशू। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें यहाँ पे तो विंडोज 11, साथ ही में जो है 64-bit वाला और इस लैपटॉप में आपको जो है स्टूडेंट्स के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको प्री इंस्टॉल देखने को मिल जाता है और साथ ही में एंटीवायरस भी इसके अंदर आपको प्री इंस्टॉल देखने को मिल जाता है और साथ ही में एलेक्सा का भी सपोर्ट इस लैपटॉप में दिया गया है। लैपटॉप जो है 1.7 kg का है, काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट लैपटॉप है, ईजिली जो है आप इसको कैरी करके कहीं पर लेके जा पाएंगे और यूज़ कर पाएंगे आप। चलिए डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले जो है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, विविड कलर्स प्रोड्यूस करता है, काफ़ी नेचुरल कलर्स प्रोड्यूस करता है, यानी कि जो है ना अगर आप इस लैपटॉप में मूवीज़ वगैरह देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छी क्लैरिटी देखने को मिलने वाली है। साथ ही में दोस्तों अगर आप YouTube पे चाहें तो 4K वीडियोज़ भी प्ले कर पाएंगे इस लैपटॉप में, काफ़ी ईजिली चल जाता है, प्रोसेसर जो है ना काफ़ी ईजिली हैंडल भी कर लेता है। साथ ही में आउटडोर में भी आप इस लैपटॉप को यूज़ कर पाएंगे, डिस्प्ले जो है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हमें देखने को मिल जाती है, एयर वेंट्स दिए जाते हैं इस लैपटॉप में, कूलिंग फैन भी लगाया गया है जिससे कि लैपटॉप कूल रहता है। और दोस्तों इस लैपटॉप अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं तो GTA 5, BGMI, यहाँ तक कि एसफॉल्ट 9 और गॉड ऑफ वॉर जैसे गेम्स वगैरह आप इस लैपटॉप में खेल पाएंगे। प्रोफेशनल वर्क के लिए यहाँ पे ऑटोकैड 3D मॉडलिंग आप इस लैपटॉप में यूज़ कर पाएंगे, साथ ही में फिल्मोरा जैसे ऐप्स को भी यूज़ कर पाएंगे वीडियो एडिटिंग के लिए, और आप इस लैपटॉप में ब्लेंडर और ऑडेसिटी जैसे ऐप्स को भी यूज़ कर पाएंगे, एडोब लाइटवर्क्स को भी आप इस लैपटॉप में यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो एडिटिंग के लिए आप इसमें 4K 60fps तक आउटपुट निकाल सकते हैं, काफ़ी ईजिली हैंडल कर लेता है, मल्टीपल लेयर्स वगैरह जो है ना आप इस लैपटॉप में डाल पाएंगे वीडियो एडिटिंग में। वेबकैम जो है वो भी HD क्वालिटी का, वीडियो कॉल्स वगैरह करने में, ऑनलाइन क्लासेस करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोडिंग करने के लिए अगर आप लैपटॉप खोज रहे हैं तो यह लैपटॉप आपके लिए बढ़िया रहेगा, इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए भी यह लैपटॉप पहली पसंद रहती है ऑलवेज। साथ ही में इसका जो वाईफाई है वो काफ़ी ज़्यादा दूर तक की रेंज को पकड़ लेता है, यानी कि वाईफाई में सिग्नल्स जो है आपको दूसरे लैपटॉप के मामले में आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो यही था इस लैपटॉप के बारे में, अगर आपके मन में कोई सवाल होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और इस लैपटॉप को खरीदना चाहते हैं तो इसको खरीदने का ओरिजिनल बेस्ट बाय लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा, तो वहां से क्लिक करके ही आप इस लैपटॉप बाय करिएगा।